हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप काइन मास्टर के अंदर अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारे पास विदाउट वाटरमार्क वाला जो है काइन मास्टर अभी अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में डाउनलोड होने के बाद में आपको इंस्टॉल कर लेना है, और जैसे ही आप काइन मास्टर को ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आपको यहाँ पे सिंपली सेटिंग बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डिवाइस परफॉर्मेंस, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रन एनालाइज करोगे तो यहाँ पे आपकी जो फ़ोन की क्वालिटी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी कि आपके फ़ोन में कितनी अच्छी तरीके की एडिटिंग हो सकती है। या जैसे कि यहाँ पे मेरे वीडियो क्वालिटी कितना सपोर्ट कर रहा है, 180 यानी कि फुल HD यहाँ पे मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रन एनालाइज पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद में एडवांस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, आपको ये तीन ऑप्शन यहाँ पे अनचेक दिखाई देंगे यानी कि बंद दिखाई देंगे। आपको ये तीनों ऑप्शन ऑन कर लेना है। सेव वीडियो विद 60 FPS, यहाँ पे 240, और यहाँ पे जो है अनलिमिटेड लेयर का ऑप्शन, आपको ये तीनों ऑन कर लेना है। उसके बाद में आपको बैक जाना है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो सिलेक्ट बनाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आपको पहले वाला रेशियो सिलेक्ट करना है, 16:9। बाकी IGTV का हो गया, इंस्टाग्राम पोस्ट का हो गया, और काफ़ी अलग अलग टाइप के जो यहाँ पे आपको रेशियो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे आपकी जो गैलरी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको जो वीडियो एडिट करना है सिंपली आपको वो ओपन कर लेना है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कुछ मेरे पास, तो मैं इनको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी ले ली है। अब जैसे कि मान लीजिए हमको इस वीडियो में, इतनी 4 सेकंड की वीडियो, इसमें हमको कोई पार्ट नहीं चाहिए, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? सिंपली आपको उस वीडियो पे क्लिक करना है, जहाँ से आपको वीडियो स्टार्ट करनी है वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे कैची का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ट्रेंड का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको जहाँ से वीडियो स्टार्ट करना है तो वहाँ पे आपको आके यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है, यानी कि जो लेफ्ट साइड की वीडियो होगी वो कट हो जाएगी इस तरीके से, और जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर आपको वीडियो को बीच में से काटना है, थर्ड नंबर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दो भागों में यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद तीसरा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमको लास्ट का वीडियो काटना है, लास्ट पार्ट काटना है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो लास्ट वाली वीडियो है, जो इस वीडियो का सेक्शन, जो लास्ट वाला सेक्शन है, वो डिलीट हो जाएगा। और मान लीजिए आपको ये इस वीडियो के अंदर का कोई आपको थंबनेल निकालना है, या कोई भी आपको, मान लीजिए कोई भी आपको बीच में चीज़ दिखाना है वीडियो के अंदर, वो चीज़ है वही, उसका जो फोटो यहाँ पे आपको लगाना है, तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है, स्प्लिट इस वाले पे। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो एंडिंग पार्ट था, उसका यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अवेलेबल आ जाएगा। उसके बाद में जो आगे की जो भी वीडियो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है वीडियो को कट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने गलती से कहीं गलत जगह से कट कर लिया है, तो आपको यहाँ पे ऊपर साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे दिखाई देगा आपको रिकवर का, आपको इस पर क्लिक करना है, यानी कि अंडू रीडू है ये। आप ऊपर वाले से अंडू कर सकते हो, इससे रीडू कर सकते हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आप, जैसे कि आपने ऊपर कोई फ़ोटो लगा रखा है, नीचे आपको कोई वीडियो चलाना है, तो उसके लिए या कोई वीडियो ऐड करना है लेयर पे, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और आपको जो भी वीडियो या ऑडियो चाहिए वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से जो है वीडियो आ जाएगा। आप इस तरीके से स्क्रीन पे कहीं पे भी सेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए हमको नीचे वाली वीडियो का ऑडियो नहीं चाहिए है, इसको बंद करना है ऑडियो को, तो सिंपली नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है मिक्सर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए एक साउंड का ऑप्शन है, इसको आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको इस वीडियो की साउंड नहीं सुनाई देगी। तो मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम। तो जो मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई थी उसकी आवाज़ यहाँ पे प्रॉपर आ रही है अभी, तो मैं इसको डिलीट करके ऊपर कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। अब देखते हैं नीचे वाले की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही।
तो देखिए नीचे वाली की जो वीडियो है उसका कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है, वीडियो चल रहा है दोस्तों। इस तरीके से आप जो है फोटो वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है मीडिया पे। अगर आपको ऊपर ऐड करना है फोटो या वीडियो कोई भी, तो यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको लेयर में चाहिए है तो यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैं कोई और फोटो ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, हमने कुछ फोटोज़ ले ली है, इसके बीच में हमको ट्रांजेक्शन लगाना है ताकि ये चेंज हो तो ये नया पीछे वाला बैकग्राउंड आए, तो यहाँ पे कुछ चेंज हो तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना और यहाँ पे कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आप इन इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो सिंपली आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो स्क्रीन पे। आप इसका जो एनिमेशन है इसमें लगा सकते हो। अगर आपको फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे सेकंड नंबर के ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट दिए गए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आप कलर वगैरह भी यहाँ पे सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आउटलाइन लगाना हो आउटलाइन लगा सकते हैं इस तरीके से। आपको शैडो लगाना हो, ग्लो लगाना हो या बैकग्राउंड लगाना हो तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हैंड राइटिंग की। अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग पे क्लिक करना हो, सिंपली यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम इफेक्ट की। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको वीडियो के अंदर ब्लर लगाना है तो यहाँ पे ब्लर के ऑप्शन भी दिए गए हैं कि किस टाइप का आपको ब्लर लगाना है। जैसे कि मैं लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमको ब्लर लगाना है, यहाँ पे हमारे कोई नंबर वगैरह या कोई हम पर्सनल डिटेल है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको सबसे पहले लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिक इफेक्ट है, ब्लर का आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दो टाइप के ब्लर हैं, आप कोई भी इसको यूज़ कर सकते हो और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो ब्लर एक बार सिलेक्ट कर रखा है, तो देखिए इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको सेटिंग पे क्लिक करना, प्रॉपर इसको गायब करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल हट जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लर कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करना है, काइन मास्टर के अंदर ही आप मान लीजिए वॉइस ओवर की वीडियो बनाते हो, काइन मास्टर के अंदर ही आपको वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो सिंपली आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। आप जो है तो मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। करने के बाद आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाना है तो सिंपली आपको म्यूजिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, कोई सॉन्ग रखा हुआ है या कोई कुछ और यहाँ पे आपको लगाना हो, तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मेरे पास देखिए। इस तरीके से आप इसको जो है यहाँ पे ऐड करके आप इसकी मिक्सर पे क्लिक करोगे, इसकी वॉइस को जो है आपको 15 से 20 के अंदर रखना है ताकि अच्छे तरीके से आपकी आवाज़ जो है आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी सुनाई दे और ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस तरीके से अच्छा लगेगा। तो उसको इस तरीके से आप अपनी वीडियो को जो है काइन मास्टर के अंदर एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ वीडियो के अंदर होता है कि आपकी आवाज़ जैसे कि आप स्टार्टिंग में बोल रहे हो तो 2 से 3 सेकंड वो थोड़ा कम कम ज़्यादा 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 इस तरीके से होता है और लास्ट में ज़्यादा बोलते हैं फिर वो थोड़ा थोड़ा कम होता है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। सिंपली आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये फेड इन है फेड आउट है, तो आपको इन दोनों को बंद कर देना है। तो ये दोनों बंद हैं तो मैं यहाँ पे इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होना इस तरीके से जो है आपको ये सुनाई देने वाला है, तो यहाँ पे आपको इसको जो है बंद कर देना है दोनों चीज़ों को। ये करने के बाद आपको जो है वीडियो को सेव करना है, तो सिंपली आपको ऊपर यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है आप यहाँ पे देखिए 60 FPS तक यहाँ पे आप अपने वीडियो को सेव कर सकते हो। यहाँ पे इसको आपको हाई क्वालिटी पे रखना है और यहाँ पे आप फुल HD में बनाना चाहते हो HD में या जो क्वालिटी है यहाँ पे आपको दिखाई दी जाएगी आप इनमें बना सकते हो। आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है तो ये वीडियो जो है आपकी सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपनी वीडियोज़ को काइन मास्टर के अंदर एडिट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वीडियो एडिटिंग करना आ जाए।